अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ जरीन फातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अचार गोश्त की रेसिपी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। देखते हैं अचार गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो हमने ये गोश्त लिया है। हमने जो गोश्त लिया है वो हड्डियों के साथ है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1/2 किलो हमने टमाटर लिए हैं, तकरीबन 500 ग्राम हमारे ये टमाटर हैं। 1 कप कुकिंग ऑयल है, अगर ग्राम में देखें तो 120 ग्राम हमारा ये कुकिंग ऑयल है। 15 से 16 हमने ये मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। 1 लीमू लिया है, 120 ग्राम दही है, 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 6 टेबल स्पून अचार गोश्त मसाला पाउडर है। सबसे पहले हम ऑयल डाल लेंगे। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं। अब हम इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए भून चुका। अब इसके अंदर हम गोश्त शामिल कर लेते हैं। गोश्त को हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम अचार गोश्त मसाला पाउडर शामिल कर लेंगे। आधा अचार गोश्त मसाला पाउडर हमने इसके अंदर शामिल कर लिया और आधा हमने बचा लिया। इससे हम हरी मिर्चें भरेंगे। दही शामिल कर लेते हैं। अब हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक्कन ढक के पकने के लिए रख देंगे। हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल शामिल नहीं किया। अगर आप चाहें तो इसको गलाने के लिए पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं बगैर पानी के ही इसको पकाऊंगी। अब हम इसे ढक्कन ढक के बिल्कुल हल्के गैस पर रख देंगे और जब गोश्त गल जाएगा फिर हम देखेंगे। अब जब तक ये गोश्त गल रहा है हम बाकी का काम कर लेते हैं। लीमू काट लेंगे। हम बीज इसके अलग कर देते हैं और लीमू का रस इसमें शामिल कर लेंगे। लीमू हमने उतना ही शामिल करना है जितना कि हमें इस मसाला पाउडर को पेस्ट बनाने के लिए काफी रहेगा। अभी देखिए पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम हरी मिर्चों का पेस्ट चाक कर लेते हैं। ये तमाम हरी मिर्चों का पेस्ट हमने चाक कर लिया। अब इसके अंदर हम ये पेस्ट शामिल कर लेते हैं। ये देखिए तमाम हरी मिर्चों को हमने भर लिया। इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब हम टमाटरों का पेस्ट बना लेंगे। इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए पेस्ट तैयार हो चुका है। इसको भी हम एक तरफ रखते हैं। अब हम गोश्त देख लेते हैं। तकरीबन 1 घंटा हो गया हमने गोश्त को रखे हुए। बिल्कुल हल्की गैस पे हमने इसको रखा था। यह आप देख सकते हैं गोश्त गल चुका है। इसके अंदर हम टमाटरों का पेस्ट शामिल कर लेंगे। हम टमाटरों का पेस्ट डालने के बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये देखिए बुनाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है। बहुत अच्छे से हमारे ये बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम तकरीबन 1 कप के बराबर पानी शामिल कर लेंगे। अब इसके अंदर हरी मिर्च शामिल कर लेते हैं।
अब इसको ढक्कन ढक के तकरीबन 2 से 3 मिनट हम हल्के आंच पर रख देंगे। यह हमारा अचार गोश्त तैयार हो चुका है, बहुत मज़ेदार बनता है। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको फौरी मिल सके। और बहुत बहुत दुआ में याद रखिएगा। मैं शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।